बैसाख माह की पावन बुद्ध व पीपल पूर्णिमा पर महास्नान पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सरोवर के गऊ घाट सहित अन्य घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं का लगातार दान पुण्य कर कमाया धर्म लाभ। तीर्थनगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने बैसाख माह की पावन बुद्ध व पीपल पूर्णिमा पर महास्नान कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूर्णिमा महास्नान के साथ ही एक माह से चल रहे बैसाख स्नान और पंचतीर्थ महास्नान का भी समापन हो गया। पूर्णिमा महास्नान के लिए अल सुबह से ही पुष्कर सरोवर के मुख्य गऊ घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। प्रतिवर्ष की भांति विशेष रूप से जिले के रावत समाज के लोगों में बैसाख पूर्णिमा महास्नान के प्रति ज्यादा ही उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण किए, दान पुण्य कर सरोवर की परिक्रमा लगाई। बाद में जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर गायों को चारा खिलाया। पंडित सतीश चंद्र तिवारी और पंडित गोविंद पाराशर ने बताया कि बैसाख माह की पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सरोवर में स्नान करने का कार्तिक माह की पूर्णिमा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। आज बैसाख का महीना है और बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि है, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज की तिथि में तीर्थों के अंदर, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में आती है, इसलिए आज के दिन ठंडाई की जो वस्तुएं होती हैं, फल फ्रूट इत्यादि, उनका दान का विशेष माध्यम है। तथा आज के दिन विशेष करके पुष्कर में जो भी कोई इस पूर्णिमा को स्नान करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है तथा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में 12 महीनों में से 2 महीने कार्तिक और बैसाख को बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है और आज बैसाख मास की बड़ी पूर्णिमा है। लाखों भक्त कल ही आके यहाँ पे डेरा जमा लिया और हजारों भक्तों ने यहाँ पे 5 दिन रहकर एकादशी से पूर्णिमा पंचतीर्थी का स्नान किया है। आज उनका पूर्णता हो रही है। यहाँ जो है विशेष तौर से स्नान पूजा पितरों को तर्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यजमान पुष्कर स्नान पूजा ब्रह्मा जी का दर्शन करने पुष्कर जी आए हैं। बैसाख मास की पूर्णिमा का पुण्य लाभ लेने, अपने कर्मों को सुधारने, भजन गाते हुए आनंद ले रहे हैं और विशेष तौर से इनमें मात्र शक्ति महिला शक्ति सबसे अधिक संख्या में है। धर्म पुण्य में गायों कबूतरों को अनाज डालती है, गायों को चारा खिला रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कर रहे हैं, पुष्कर जी का स्नान कर रहे हैं। बड़े भक्तिभाव से लोग यहाँ पे श्रद्धा से पुष्कर तीर्थ के गुरु महाराज की यात्रा कर रहे हैं। पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या स्वर्गस्थः आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करम लोकानाम तारणार्थाय मम पाप स्वयं कुरु। वैसाख मास की बुद्ध पूर्णिमा का आज पर्व है और प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं। कई स्त्रियां परिक्रमा कर रही है। आज जल का महत्व है, अन्न का महत्व है, पूजन का महत्व है और तपस्या और भक्ति का महत्व है। इस प्रकार ये पंचतीर्थी का स्नान है जो एकादशी से आरंभ हुआ है और पूर्णिमा को पूर्ण हो रहा है। इस प्रकार की जो स्नान यात्रा तीर्थ में करके जाते हैं उसको अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने में पंचतीर्थ एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचतीर्थ स्नान किया जाता है। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। इस पर यहाँ यात्री स्नान करते हैं, पिंडदान करते हैं, फूल ठंडे करने के लिए आते हैं और ब्राह्मणों से पूजा करा के दान दक्षिणा देते हैं। आज के स्नान का कोई पंचतीर्थ नहीं आते हैं, नहीं तो पूर्णिमा का स्नान करके दान दक्षिणा दे के जाते हैं।